मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में एक बार फिर T20 क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे T20 तीन मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच कल इंदौर में खेला जाएगा, जिसे देखने के लिए हजारों दर्शकों का सैलाब खुलकर स्टेडियम में उमड़ेगा। मैच के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। इंदौर में होने वाले क्रिकेट मैच को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल और होटल से लेकर स्टेडियम तक खिलाड़ियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं 800 प्राइवेट कंपनी के सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए हैं। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी सुचारू इंतजाम किए गए हैं, ताकि दर्शकों को स्टेडियम तक पहुँचने में कोई दिक्कत न हो और आम नागरिकों को भी ट्रैफिक जाम से न जूझना पड़े। मैच के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी इंदौर पहुंच गए हैं। 4 अक्टूबर को इंटरनेशनल T20 मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका में है, जिसके लिए जो आयोजन किया गया है उसमें चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जो एयरपोर्ट से शुरू होकर हमारे होटल्स और जो स्टेडियम है उसमें कुल मिला के लगभग 1200 पुलिसकर्मी और 800 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जो MPCA के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था करवाई गई है। कल मैच के दौरान जो ट्रैफिक के डाइवर्जन प्लान्स हैं और कहाँ पार्किंग है, इन सब की सूचना भी दी गई है, जिससे कि लोगों को बहुत ही आराम से मैच देखने का अवसर मिल सके और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद बनी रहे।